दुनिया में कट्टरपंथी मुल्क की पहचान से मशहूर इस्लामिक देश में हुए कुछ ऐसे बदलाव जिन्हें देखकर हैरान है सभी कट्टरपंथी इस्लामिक देश। क्या सच में इस्लाम के गढ़ कहे जाने वाले देश में हो रहे हैं फैशन शो? क्या मिटाई जा रही है स्कूलों की किताबों से नफरत की आग? क्या है इशारा इस देश का इराक के साथ रिश्ते मजबूत करने का? इसलिए चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस्लाम के गढ़ माने जाने वाले देश में हो रहे हैं बड़े बदलाव। रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह से मिटाने के लिए प्रिंस मोहम्मद ने लिए कुछ ऐसे फैसले जिनसे भूचाल आ चुका है। दुनिया के सभी कट्टरपंथी देशों में जहां आप समझ गए होंगे कि यहां सऊदी अरब की बात चल रही है। वैसे आपको बता दें कि आज जो सऊदी अरब लगातार अपने बदलाव को लेकर खबरों में छाया हुआ है, ये वही सऊदी अरब है जो किसी समय पर अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जाना जाता था, जहां ना तो महिलाओं को अपना मुंह खोलकर घर से बाहर निकलने की इजाजत थी और ना ही वहां इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब की बातें हो सकती थी। लेकिन आज इस देश में हो रहे ऐतिहासिक बदलाव, मिटाई जा रही है स्कूली किताबों से नफरत की बातें किए जा रहे हैं, यहाँ योग के सेमिनार मिल रहा है सऊदी अरब अपने पुराने दुश्मनों से हाथ। पर इन सब को छोड़ दें तो हाल ही में सऊदी अरब में जो हुआ वो आपको हैरान करके रख देगा। सऊदी अरब में जहाँ मुसलमानों के दो सबसे पवित्र शहर मदीना और जहाँ हज और उमराह के लिए दुनिया भर में लोग आते हैं, उसी देश में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फैशन शो आयोजित किया। लगाना दोस्तों एक बड़ा झटका, ऑफ कोर्स लगना तो बनता है बॉस। एक दशक से भी कम समय में पहले तक जहां महिलाओं को शरीर को पूरा कवर करके रखने वाले दशक के रूप में जाना जाता है, जहां अबाया ड्रेस पहनना जरूरी था, वहीं एक ऐसा पहला फैशन शो हो रहा है जिसमें स्विम सूट मॉडल्स शामिल हुई हैं। और वाकई ये सऊदी अरब जैसे देश में एक बड़े बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। पर जहां पर एक तरफ सऊदी अरब में लगातार हो रहे इन बदलावों को देख दुनिया भर में सऊदी प्रिंस की तारीफें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथियों की छाती पर सांप लौट रहे हैं। कट्टरपंथियों का कहना है कि सऊदी अरब अब विनाश के सफर पर चल पड़ा है। सऊदी प्रिंस देश को मॉडर्न बनाने के चक्कर में देश को बर्बादी के रास्ते पर लेकर निकल पड़े हैं, लेकिन इन सब से सऊदी अरब को कोई फर्क नहीं पड़ता। सऊदी प्रिंस अपने विजन 2030 सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत सभी प्रोजेक्ट को बड़ी ही शानदार तरीके से अंजाम दे रहे हैं। खैर, सऊदी अरब में होने वाले इस फैशन शो के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस बदलाव की नींव पर गौर करते हैं कि आखिर सऊदी अरब में जहां इस्लाम को लेकर कड़े कानून थे, वहां ये बदलाव आना कैसे शुरू हुआ। तो बता दें कि इसकी शुरुआत होती है साल 2017 से, जब सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सिंहासन पे पहली बार कतार में आए थे, और तभी से उन्होंने सऊदी अरब की वहाबीवाद के रूप में चल रही शुद्ध इस्लामी कठोर छवि को नरम करने के लिए सामाजिक सुधारों का सिलसिला शुरू किया। और तब से शुरू हुआ बदलाव का सिलसिला आज भी जारी है, और प्रिंस मोहम्मद अपने विजन के अकॉर्डिंग साल 2030 तक सऊदी अरब की छवि, जो पूरी तरह दुनिया में कट्टरपंथी देश के रूप में जानी जाती है, उसे अब मिटा कर रख देंगे। और इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन बदलावों के तहत सऊदी अरब में डंडे के जोर पर चलने वाली धार्मिक पुलिस को दरकिनार कर दिया गया है, जो लोगों को प्रार्थना करने के लिए मॉल्स में से बाहर निकाल देती थी। सऊदी अरब किस बदलाव से गुजर रहा है वो तो हमें इस बात से ही पता चल जाता है कि देश में सिनेमाघर शुरू किए गए हैं। वहीं इस देश में आज मैन एंड वुमेन कंबाइंड म्यूजिक फेस्टिवल्स शुरू हो गए हैं। भले ही विरोध कितना ही क्यों ना किया जाए, लेकिन प्रिंस मोहम्मद असहमति को निशाना बनाकर इंटेंस रिसेप्शन करने वाले सिस्टम को कड़ा जवाब दे रहे हैं, जिसमें रूढ़िवादी मौलवी भी शामिल हैं जो इन फैसलों का विरोध करते आ रहे हैं। इन सब से आप समझ ही सकते हैं कि भाई सऊदी अरब अब जितने बड़े बदलाव से गुजर रहा है, यहाँ पर एक तो सब ठीक था, लेकिन हाल ही में जो फैशन शो रखा गया उसने तो कट्टरपंथी देशों में सनसनी मचा दी। और ये है सऊदी अरब में आयोजित किया गया रेड सी फैशन वीक। तो चलिए विस्तार से इस फैशन शो के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 16 मई 2024 यानी गुरुवार को सऊदी अरब की डिज़ाइनर टीमा आदीब ने पहले रेड सी फैशन शो की शुरुआत की। इस दौरान ब्राइडल वेयर क्लॉथ्स को डिस्प्ले किया गया, जिसे डिज़ाइनर ने बड़ी ही मेहनत से समुद्र से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया था। असल में ये फैशन शो समुद्र के बीच में सेंट रेड सी रिसॉर्ट में आयोजित किया गया। बता दें कि इस रिसॉर्ट में केवल नाम से ही जाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब चाहता है कि अगला यूरोप अब अरब बने, और इसी वजह से सऊदी अरब फैशन शो के नक्शे पर छा जाना चाहता है। सऊदी अरब में हुए इस फैशन शो में शिरकत करने वाले
साइरान फैशन इन्फ्लुएंसर शौक मोहम्मद ने सऊदी अरब के बदलाव की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया के लिए रास्ते खोलने और फैशन और टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए सऊदी अरब की कोशिशें कोई हैरानी की बात नहीं है। वहीं इस फैशन शो का हिस्सा बने फ्रेंच इन्फ्लुएंसर राफेल सीमाक्रूब ने कहा है कि उनकी नज़र में ये सब कुछ अजीब नहीं है, लेकिन सऊदी अरब को देखते हुए ये बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही वह कहते हैं कि ऐसा करने के लिए बहुत बहादुरी की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूँ। वाकई में दोस्तों, ये बात तो सच है कि कोई भी सोच नहीं सकता कि सऊदी अरब में फैशन शो हो सकता है, लेकिन ये हुआ जो ऐतिहासिक बदलाव है। लेकिन कई मुस्लिम देश और कट्टरपंथी तुम मानो ना बदलने की कस्में खाकर बैठे हैं, इसलिए तो सऊदी अरब में लड़कियों को रैंप में चलता हुआ देखकर कट्टरपंथियों का कहना है कि मक्का मदीना की पाक धरती पर लड़कियों को रैंप पर चलवाना इस्लाम का अपमान है। वहीं दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये बताई जा रही है कि इससे कुछ समय पहले सऊदी अरब ने देश में पहला सरकारी ठेका भी खोल दिया था, जिसकी वजह से तो पहले ही कई इस्लामिक देश सऊदी अरब के खिलाफ हो गए थे, और अब इस फैशन शो ने तो मानो आग में घी डालने का काम कर दिया है। पर दोस्तों, ये फैशन शो नहीं बल्कि एक ऐसे फैसलों ने कट्टरपंथियों की रातों की नींद छीन ली है। आपको बता दें कि यह बदलाव यहूदियों और ईसाइयों के लिए सऊदी अरब का ईमान बदल रहा है। सऊदी अरब, जिसकी पहचान धार्मिक रूप से दुनिया में सबसे कट्टर देशों में हुआ करती थी, वहीं इजराइल यहूदी और ईसाइयों के लिए कैसी नफरत है तो शायद किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब यह नफरत की दीवारें हटाई जा रही हैं, जिसकी शुरुआत बच्चों को पढ़ाए जाने वाली किताब से हो रही है, पर यह कुछ महीनों से नहीं बल्कि सालों से चल रहा है। आपको बता दें कि जिन किताबों में कब इजराइल और यहूदी को कोसा जाता था, नफरत के बीच बोए जाते थे, अब उन किताबों की भाषा बदल चुकी है, जहां इजराइल से लेकर ईसाइयों तक के लिए नरमी बरती जा रही है। वहीं इस बदलाव के चलते सऊदी अपने दुश्मनों से भी हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने इराक के लिए नजरिया बदलने और रिश्ता मजबूत करने का इशारा किया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले बगदाद में सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल अजीज अल शमारी ने करबला में इमाम हुसैन की दरगाह का दौरा किया, जिनका स्वागत करने के लिए वहां के गवर्नर नसीफ अल खत्ताबी समेत कई ऊंची पोस्ट के लोग पहुंचे। वाकई शम्मारी का पैगंबर मोहम्मद के पोते और तीसरे शिया इमाम हुसैन इनबे अली की दरगाह पर जाना सुन्नी देश सऊदी अरब का शिया इस्लाम के लिए एक बड़े बदलाव को दर्शा रहा है। खैर, इन सभी बदलावों में दोस्तों, सऊदी अरब में कुछ ही समय पहले हुआ योग सेमिनार भी शामिल है, जहां मालदीव, मलेशिया, पाकिस्तान जैसे कई इस्लामिक देशों में योग को हमेशा ही धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। वहीं सऊदी अरब ने इसे अपने देश में खेल के रूप में मान्यता दी है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले मक्का और मदीना में योग चैंपियनशिप भी कराई गई थी, जिसमें लड़के और लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। सऊदी अरब लगातार योग शिक्षा के जरिए वहां के लोगों में योग को प्रमोट कर रहा है। आज सऊदी अरब में चाहे महिलाएं हों या फिर पुरुष, हर कोई योग को सीख रहा है। कुछ समय पहले हुए इस चैंपियनशिप में 54 लड़कियों ने और 10 लड़कों ने भाग लिया था। तो दोस्तों, है ना बड़े कमाल की बात, सऊदी अरब जो किसी समय पर ऐसी चीज़ों के सख्त खिलाफ था, आज वही देश पूरी तरह से बदल चुका है। वैसे आपका सऊदी अरब के इस बदलाव के बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।